Hello students, how are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel Akshay Chopra Maths, जहाँ पर हम 10th क्लास की NCERT बुक डिस्कस कर रहे थे मैथ्स की, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और उस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 सब्सटीट्यूशन मेथड, एंड दिस एक्सरसाइज 3.2 इज़ अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पुरानी बुक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड बुक, तो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये बनेगी एक्सरसाइज आपकी 3.3। तो जिसके पास जो भी बुक है उस अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है जी, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो बेटा, जो पीछे के क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट वीडियो तक डिस्कस करे, उसमें हमें इक्वेशंस दे रखी थी, हमने सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना था और सोल्व करना था। लेकिन इसमें क्या बेटा, इसमें हमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी भी खुद पड़ेगी। यहाँ बच्चे रोते हैं, लेकिन कुछ रोने की बात नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है। ठीक है, डोंट टेक टेंशन। ठीक है, वो क्या कहते हैं उसे, वाई टू फियर व्हेन अक्षय सर इज हियर, है ना। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, सल्यूशन देखो भाई करते हैं हम, हमें सब कुछ आता है। इसमें क्या था क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस क्या है, 26 है, एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर। और एक नंबर क्या दूसरे नंबर का 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3, मतलब अगर एक नंबर 2 है तो सेकंड नंबर 6 होगा, अगर एक नंबर 6 है तो सेकंड नंबर 18 होगा। ठीक है, 3 टाइम्स। फाइंड देम। सबसे पहले ये चैप्टर में आपने देखना है कि फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है उसको पहले एक्स वाई लो। सबसे पहले सारा पढ़ा के आपने क्या करना है जी, लास्ट में पहुंचना है कि फाइंड क्या करना है, उसको एक्स वाई लेट कर लो। फाइंड देम यानी कि दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। लो जी, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। उसने बोला लेट करो भाई साहब, दो नंबर्स क्या हैं, एक्स एंड वाई। क्या हैं दोनों नंबर्स, एक्स एंड वाई। ठीक है, अब देखो सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दोनों नंबर्स में जो डिफरेंस है दैट इज़ 26। ठीक है जी, डिफरेंस का मतलब माइनस। फिर एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि या तो x = 3y है, या हमारे पास क्या होगा, y = 3x। ठीक है ना, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। लेकिन अब हमें कैसे पता कि ये इक्वेशन चलेगी कि ये इक्वेशन चलेगी। देखो बेटा, x - y 26 कंसिडर करा ना हमने। अब देखो x - y 26 है, यानी पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना। इट मीन्स जो हमारा x होगा वो बड़ा होगा। ठीक है ना, जब दो नंबर्स को माइनस करते हैं, तो जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है ना। मैं कोई रफ पेज, हाँ ये रहा छोटा, ये रहा, हाँ पिछली वीडियो का बचा हुआ। देखो अगर मैं करूँ कि यहाँ पे 4 - 2 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 2 - 4, समझ गए। अब देखो होना तो इन्होंने माइनस ही है, लेकिन यहाँ पर क्या 4 बड़ा है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है तो आंसर में भी +2 है। यहाँ 4 बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में -2 है। ठीक है जी, जब दो चीज़ें माइनस होती हैं तो रिजल्टेंट जो आंसर आता है उसमें जो साइन होता है वो बड़े डिजिट का होता है, बड़े नंबर का होता है। अब यहाँ पर x - y 26 है, x पॉजिटिव है और आंसर भी पॉजिटिव है, यानी x हमारा बड़ा है ना। तो यानी कि y में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो x तक पहुँचेंगे। बात समझ आ गई, y छोटा नंबर है ना, तो छोटे नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े तक पहुँचेंगे, तो x = 3y बनेगी सेकंड इक्वेशन। अब ये तो आपके सामने है जी, x = 3y है, इसको फर्स्ट में पुट कर दो। तो x - y = 26 है, इसका मतलब क्या हो गया, 3y - y = 26 है, इसका मतलब क्या हो गया जी, 2y = 26 है। अब 2y = 26 होने का मतलब क्या हो गया, y = 26/2 यानी कि 13। y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। अब y जहाँ मर्जी पुट कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ये इजी लग रही है, यहाँ पुट कर दो। तो x = 3y है तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 × 13 यानी x आ गया 39। लो जी मिल गए दोनों नंबर्स। लेकिन 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 बट पूरे नंबर आपको फिर भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज जो उसने इंग्लिश झाड़ी है उसी इंग्लिश में हमने आंसर देना होता है। बात समझ आई, यानी कि उसका आंसर उसी की ज़ुबान में। अगर एक्स वाई तक लिख के आ जाओगे तो एक आधा नंबर कट जाएगा। तो नीचे इंग्लिश में क्या लिखना है, देयरफॉर टू नंबर्स आर, दो नंबर्स क्या है 13 and 39। अब मिलेंगे आपको पूरे नंबर। ठीक है, अब मिलेंगे आपको पूरे नंबर। चलो तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है। हमने क्या करना होता है बेटा, जो इक्वेशन बनानी ना, जो जो उसने इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैथ्स की लैंग्वेज में लिख देना, बात खत्म। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। पीछे उसने क्या बोला था, 2 का डिफरेंस 26 है, x - y 26 लिख दिया। एक दूसरे का 3 टाइम्स है, x = 3y लिख दिया। बात समझ आ गई ना, जो वो बोल रहा है वही हम लिख रहे हैं, अपनी तरफ से थोड़ी कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो बस सोल्व कर रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूशन से। अब देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसने बोला है दो सप्लीमेंट्रीज हैं, उनमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो उनमें बड़ा एंगल है। एक्सीड का मतलब बड़ा होना। कितना बड़ा है जी, स्मॉलर बाय 18। जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है। जैसे मान लो अगर छोटा एंगल 10 है तो बड़ा एंगल कितना हो जाएगा 28। समझ गए, छोटा एंगल 0 डिग्री है, बड़ा एंगल कितना आ जाएगा 18 डिग्री, मतलब 18 ज़्यादा। अब देखो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं बेटा, वे एंगल जिनको प्लस करके 180 डिग्री बनता है। सप्लीमेंट्री क्या है, जिनको प्लस करके 180 बनता है। जैसे 90 + 90 सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, 80 + 100 180 आ गया, सप्लीमेंट्री हो गया। 170 + 10 डिग्री ये सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है जी, मान लो 50 डिग्री + 130 डिग्री ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए, और चलते जाएंगे। बात समझ आ गई ना, सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनको प्लस करके 180 बनता है। ठीक है जी, तो लेट टू एंगल्स बी, दोनों एंगल्स क्या हो गए x and y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दोनों सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि उन दोनों को प्लस करके बन जाएगा 180 डिग्री। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में उसने बोला है कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, यानी कि जो बड़ा एंगल है, जो मर्जी आप बड़ा ले लो। ठीक है जी, मैं यहाँ x बड़ा ले रहा हूँ। अब अगर x बड़ा एंगल है तो x क्या होगा, छोटे एंगल में 18 प्लस कर दूँगा फिर ही वो बड़े के इक्वल आएगा। बात समझ रहे हो ना। ठीक है, बड़ा एंगल क्या है, छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, यानी कि छोटे एंगल में जब 18 प्लस करेंगे तो वो बड़े एंगल के बराबर आ जाएगा ना। ठीक है, अगर मैं कहूँ मान लो छोटा एंगल 5 है, चलो ठीक है, बड़ा एंगल 5 है। अगर बड़ा एंगल 5 है, मैं कहूँ कि वो छोटे एंगल से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर छोटे एंगल में मैं 3 प्लस करूँगा फिर ही बड़े के बराबर पहुँचूँगा। बात को समझ रहे हो ना। ठीक है जी, ये है इसके पीछे लॉजिक। तो बस अब सब्स्टिट्यूशन हो गया, x की वैल्यू y + 18 यहाँ पुट कर दो, तो y + y + 18 ठीक है = 180 डिग्री। तो y और y कितना हो गया 2y। लो जी बन गई बात, 2y = 180 डिग्री - 18 डिग्री। तो 2y = 180 - 18 कितना हो गया 162, नहीं हाँ 162। ठीक है, तो y कितना आ गया 162 डिग्री / 2। इसकी कटिंग करेंगे तो वी विल गेट 81 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई 81 डिग्री, यानी कि हमारा जो एक एंगल है वो तो बन गया 81 डिग्री। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं दूसरे एंगल की तरफ। दूसरा एंगल हमें पता ही है, बैक पुट कर दो बस। अब दूसरा y है, अब y को यहाँ पुट कर दो x आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो x आ जाएगा, जो मर्जी कर दो। नाउ वी आर प्रोवाइडेड विद x = y + 18, तो x = 81 + 18। 81 और 18 को प्लस कर दिया, वी विल गेट 99 डिग्री। लो जी ये हमारा x भी आ गया। ठीक है, अब फिर से वही बात है, जैसा उसने सवाल पूछा वैसा आंसर देंगे। देयरफॉर दी टू एंगल्स आर, दो एंगल्स कौन से हैं 81 डिग्री and 99 डिग्री। दिस विल बी आर फाइनल आंसर। अब हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर ये इंग्लिश नहीं लिखोगे, उसको नहीं बता के आओगे कि मुझको इंग्लिश आती है, तो फिर वो एक आधा नंबर काट लेगा, भाई तुमको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है जी। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, यानी कि थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में वो कह रहा है दी कोच ऑफ आ क्रिकेट टीम। लो जी, एक क्रिकेट टीम है, उसका क्या है जी, कोच है। दी कोच ऑफ आ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। उसने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी, कितने में? 4,3800। लेटर, यानी कि बाद में, शी बाइज, शी अच्छा लेडी कोच है, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। फिर उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदी, कितने में? 750 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको बोला सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है लास्ट लाइन पे, जो हमने फाइंड आउट करना है मुँह उठा के उसको XY लिख दो, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, लो जी, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट की कॉस्ट क्या होगी? ₹X। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, ईच बॉल की कॉस्ट कितनी होगी? ₹Y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 बैट हैं 6 बॉल्स हैं। बेटा आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जैसे मैं कहूँ ये एक पेन है, ये ₹10 का, अगर एक पेन 10 का है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे? 70 के। तो कैसे आया? 10 × 7, यानी कि जो एक आइटम की कीमत थी उसको नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना खर्चा आ जाएगा। तो बैट कितने हैं? 7। एक बैट कितना है? X। तो 7X और 6 बॉल्स हैं 6Y, इनको मिला के अपना खर्चा आया था 3,800। ठीक है। उसी तरह से दोबारा उसने बोला 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल, ये बन गए थे 750 रुपीज़ की। अब हमने कॉस्ट निकालनी है बस, एक बॉल और एक बैट की। ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम? बस सब्स्टिट्यूट करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से, जहाँ से तुम्हें इजी लग रहा है कुछ भी, वो वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी। तो मैं यहाँ से 7X + 6Y = 3800 लेके मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 7X = 3800 - 6Y। सो X = 3800 - 6Y/7। अब इसको क्या करेंगे? पुट इन, कहाँ पुट करेंगे? ये फर्स्ट थी ना, अब सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, वहीं से निकाल के वहीं पे ना पुट कर देना। तो सेकंड इक्वेशन में 3, ये रहा अपना X, ठीक है जी, +5Y = 750। ठीक है जी। बेटा अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा धांसू फार्मूला। ठीक है। पेपर में वही यूज़ करके आना, ना ग्राफिकल मेथड यूज़ करना, ना सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। अब देखो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 0,0,4,11 -18Y/7 +5Y = 750। ठीक है जी। अब इसका एलसीएम ले लो, 1,14,0,0 -18Y +35Y/7 = 750। ठीक है जी। अब ये 7 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देख लो भाई, नहीं दिख रहा तो ठीक है, ये 7 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो वी विल गेट 0। अब देखो -18 + 35, माइनस होंगे, साइन आएगा प्लस का, 17। इट विल बी 7 × दिस, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3,5,2,5,0। ठीक है जी। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो 17Y = तो यहाँ से 17Y हमें मिल जाएगा 5,2,5,0 माइनस, ये तो गलत हो गया क्योंकि आंसर आएगा नेगेटिव में, यानी कॉस्ट हो गई नेगेटिव में, तो मैं -5 रुपये का बैट थोड़ी खरीदूँगा। फिर से देखते हैं। अच्छा हाँ, मिल गया। ये देखो बेटा, ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे 1750 आएगा, वही तो मैं सोचूँ भी, यहाँ पे बैट और बॉल, यहाँ पे बैट और बॉल इतने महंगे हैं, यहाँ पे क्या उसने नकली चिपका दिया इसको। ठीक है। तो ये था 1750। तो 1750 किधर गया, ये रहा, ये। ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0, तो 10 12250 यानी यहाँ पे आएगा 12250। तो 17y किसका इक्वल आ गया, इन दोनों को करा माइनस तो 058 850 आ गया। तो y की वैल्यू आ जाएगी 850/17। तो आई थिंक ये 17 5s are 85 होता है, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा 50, तो y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, y क्या था, कॉस्ट ऑफ बॉल, बॉल की कॉस्ट आ गई 50 रुपये। अब बैट की कॉस्ट है, y को सब्सटीट्यूट कर दो या तो फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड बेचारी ठीक है ठीक लग रही है वहाँ पुट कर दो। तो 3x + 5y = 1750। तो 3x + 5 × 50 = 1750। तो 3x+ ये बन जाएगा 250 1750। तो 3x = 1750 - 250। तो 3x will be equals to 1500। ठीक है जी, 3x 1500। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1500/3 यानी कि 500 सॉरी 500। तो x की वैल्यू क्या आ गई 500। x आ गया y आ गया, लेकिन बात फिर वही है, हम अंग्रेज़ हैं, हमने अंग्रेज़ी में आंसर देना है। लो जी इंग्लिश में आंसर दे दो, तो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट क्या आ गई हमारे पास 500 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट क्या आ गई थी 50 रुपीज़। लो जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में अगले 3 पार्ट्स बनाते हैं तो उसको अपलोड करते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से वही बात है बेटा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है जी, और फिर जाते जाते बोल देता हूँ एक बार कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिछली सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ डू ऐड इन द ग्रुप एंड आस्क योर डाउट्स नाउ। तो मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, टिल देन गुड बाय।